सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम ममता के आखिरी भाग जो शेष भाग है आज उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप जान चुके हैं कि ममता कैसे वह मुगल को अपने कुटीर में अपने झोपड़ी में आश्रय दिया था, और उसके बाद जब वह मुगल उसे कुछ देना चाहता था, उसका घर बनवा देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ममता भयभीत होकर वह छोड़कर मृगदाव में चली गई थी। आज आइए देखिए आखिर में क्या हुआ, क्या वह मुगल ममता का घर बनवा दिया या कुछ और ही किया। मेरे साथ आप अध्ययन कीजिए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। चौसा युद्ध, जैसे कि आप जानते हैं, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। तो शेरशाह पठान था, हम पहले से पढ़ चुके हैं, और हुमायूं मुगल था। तो इस युद्ध को बहुत दिन बीत चुके थे, बहुत साल बीत चुके थे। इस बहुत साल के बाद ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी, मतलब बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी उम्र कितनी हो चुकी थी? 70 वर्ष। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। तो ममता, आप जानते हैं, जैसे कि उन्होंने अपना धर्म पालन करने के लिए अपने झोपड़ी तक दे दी थी, तो उसके उनके चारों तरफ जो गांव के जो महिलाएं थीं, जो गांव था, वो हमेशा आजीवन, मतलब जब मरते दम तक, मरण तक, आजीवन हम किसको कहते हैं, मरण तक, जन्म से लेके मरण तक को हम क्या कहते हैं, आजीवन। तो उनकी सारी जीवन वह क्या किया था, उनके चारों तरफ जो लोग थे उनके सुख दुख में वह भागीदार थी, सहभागिनी। तो उनके साथ वह सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती थी, इसलिए कहा गया है सुख दुख की सहभागिनी। तो जब वो 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी, और शीत ऋतु की एक दिन के बारे में लेखक ने यहाँ चर्चा किया है, उसके प्रभाव से वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, अर्थात वो उनका शरीर कंकालमय हो चुका था, जीर्ण हो गया था, और वो कंकाल, वो खांसी से इतनी बीमार थी, इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि उनकी कंकाल खांसी से गूंज रहा था। और उनके सेवा के लिए, ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां, महिलाएं उसे घेर कर बैठी थी, कि जैसे कि आप जानते हैं कि वो सबकी सहायता करती रहती थी, सहभागिनी रहती थी, इसलिए वो लोग उनकी सेवा करने के लिए उनके पास बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा, इसी अवस्था में ममता जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सिप्पी से, अगर हिंदी में हम समझे तो सिप्पी एक जल जीव है जिसका एक कठोर आवरण होता है। आपने शंख, घोंघा जैसे जल जीवों का नाम सुना होगा, सिप्पी ही ऐसे एक जल जीव है जिसके ऊपर एक सख्त सा आवरण रहता है। उड़िया में हम कहें तो सिप्पी मतलब सामू का। तो एक स्त्री ने सिप्पी से जल पिलाया, वो इतनी बीमार हो चुकी थी, वृद्धा हो चुकी थी, कि उनको सिप्पी से जल पिलाया गया। सहसा एक अश्वारोही एक अश्व पर आरोहण करके एक व्यक्ति उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो जो 2-3 स्त्रियां थी वो देखने लगी कि अचानक से कहीं से एक घुड़ पर सवार होकर एक व्यक्ति उस झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। वह अपनी धुन में कहने लगा, वह व्यक्ति किसी से पूछ नहीं रहा था, अपनी धुन में मतलब अपने आप कहना, अपने आप कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए, वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। तो आप देखिए, ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी, और कितने सालों के बाद वह उन्हें ढूंढने के लिए कोई आया था, 47। तो आप पता लग सकते हैं कि जब ममता को, ममता के पास वह पथिक ने आश्रय लिया था, ममता की उम्र क्या थी, आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो
47 वर्ष के बाद एक अश्वारोही जो मिर्जा ने उसे चित्र बनाकर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि हुमायूं को मुगल को ढूंढने के लिए मिर्जा ही आया था, तो मिर्जा को उस जगह के बारे में पता था, तो मिर्जा ने एक चित्र बनाया था उस जगह को। उस जगह को ढूंढते हुए एक व्यक्ति वहां पर आया था जिन्हें बुढ़िया के बारे में मतलब ममता के बारे में पता था। वो अपने आप ही कह रहा था कि मिर्जा ने जिस चित्र बनाकर जिस जगह के बारे में बताया था ये जगह तो यही है, लेकिन उस बुढ़िया को मैं कहाँ से ढूंढूं और उस किस्से में पूछूं, क्योंकि ये घटना तो 50 साल के आसपास हो चुकी है बीतने में, तो मैं किससे पूछूं। एक दिन यहाँ शहंशाह अर्थात सम्राट हुमायूं किस छप्पर के नीचे, किस झोपड़ी के नीचे, किस छत के नीचे बैठे थे। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। वो वृद्धा हो चुकी थी, बीमार हो चुकी थी, उन्हें आसानी से नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा बुलाओ, क्योंकि ममता जानती थी ये व्यक्ति मुझे ही ढूंढ रहा है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, जैसे कि आप जानते हैं एक बीमार वृद्धा कैसे बात करेंगी, रह रहकर बात कर रही थी। मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल था। आप भी जानते हैं जैसे हमने पढ़ा कि ममता ने कोई मुगल या कोई शहंशाह कोई राजा समझकर उन्हें आश्रय नहीं दिया था, सिर्फ उसने अपना कर्तव्य निभाया था, अपना धर्म निभाया था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह या कोई साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। आप जानते हैं कि ममता सुनी थी कि उन्होंने मिर्जा को कहा था उसका घर बनवा देना। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। तो आप सोचिए कि ममता कितनी भोली थी, कितनी साधारण थी कि वो जानती थी कि एक राजा अपने सैनिकों को आदेश देके जा रहा है उसका घर बनवा देना, तो जब घर बनेगा मेरे लिए नया घर बनेगा कि यहाँ पर एक नया घर बनेगा तो मेरा झोपड़ी जो वो तो टूटेगा ही, खुदवाया जाएगा मतलब उसको नष्ट किया जाएगा, तो मेरा कुटीर नष्ट हो जाए, इस डर से मैं 50 साल से जी रही हूँ आजीवन। आज तक मेरे जीवन में आज तक मैं इस बात से भयभीत रही हूँ कि एक दिन वो राजे के आदेश के अनुसार, वह व्यक्ति के आदेश के अनुसार कोई आएगा और मेरी झोपड़ी को खुदवा देगा। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो भगवान ने मेरा सुन लिया, अर्थात मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, ममता भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, भयभीत थी कि मेरी झोपड़ी को कोई ना खुदवाए। तो भगवान ने उनकी बातें सुनी, देखिए वो 50 साल तक मेरे झोपड़ी को बनाने के लिए नहीं आया, आज आया, क्योंकि आज मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात मैं उनकी मृत्यु आसन्न थी, उनकी मृत्यु निकटतर थी, अपने चीर विश्राम गृह में, विश्राम गृह जहाँ हम विश्राम करते हैं, चीर हमेशा के लिए, हर दिन के लिए, हमेशा समय के लिए हम जहाँ विश्राम करते हैं, अर्थात हम कहाँ विश्राम करते हैं, अपनी कब्र में, जब हम मर जाते हैं उसके कहा जाता है चीर विश्राम गृह में। तो अब मैं मरने वाली हूँ तो मैं यहाँ इसे छोड़ के जा रही हूँ कहीं और विश्राम लेने के लिए, तो तुम चाहे इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, घर बनाओ या राजमहल बनाओ। वह अश्वारोही अबक खड़ा था, आश्चर्य खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। प्राण पक्षी अनंत में उड़ना अर्थात मुहावरा है, लोकवाणी है, अर्थात मर जाना। उन्होंने मृत्युवरण किया, बुढ़िया के मतलब ममता ने मृत्युवरण किया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ पर जिस स्थान पर वह झोपड़ी थी वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर, एक मंदिर जिसके 8 कोण थे, तो वह बनाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया। आप जैसे मंदिरों में देखे होंगे शिलालेख, मतलब एक पत्थर में लिखा जाता है, क्या लिखा जाए किसी बारे में वहाँ पर वार्ता दी जाती है, बताई जाती है। तो वहाँ पर क्या लिखा गया था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया।
तो सातों देश के नरेश, हुमायूं को सातों देश के राजा नरेश अर्थात राजा भूप नृपति आप जो भी कह सकते हैं कि राजा एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उनके जो पुत्र हैं अकबर ने वह मिर्जा के द्वारा यहाँ पर उनके जो पिता थे हुमायूं उनके स्मृति में यह गगन चुंबी, गगन अर्थात आकाश, चुंबी मतलब चुंबन करना, छूना, मतलब वो उतना ऊँचा था जिसको लेखक ने गगन चुंबी बताया, मतलब आकाश को छूने वाला यह अष्टकोणी मंदिर किनके स्मृति में बनाया गया? हुमायूं के स्मृति में बनाया गया। पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था, लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा गया था कि यहाँ पर एक स्त्री थी जिसने इस झोपड़ी में रहती थी और उसने ही हुमायूं को विश्राम दिया। लेकिन आप भी जानते हैं कि ममता किसी नाम कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए उनकी मदद नहीं की थी, वह सिर्फ अपनी कर्तव्य का, धर्म का संपादन किया था। तो आप देखिए कैसे एक भारतीय ब्राह्मण कुमारी की, एक नारी की त्याग की, बलिदान की चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो आप इस विषय में, आपने पूरा विषय पढ़ लिया है, इस विषय में से आप प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, किसने किसको क्या कहा था, किसके कारण क्या हुआ था, और इसमें जो सारे तत्सम शब्द हैं उनको वाक्य में व्यवहार कीजिए, इनके विलोम समानार्थी शब्द भी आप याद कीजिए, और आपको दिया जाएगा इस अवतरण को स्पष्ट किया, अर्थात आपको एक वाक्य दिया जाएगा, जैसे कि आपको दिया जाएगा उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था, इस अवतरण को आप स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे ही शब्द आपके लिए आ सकते हैं, इसका आप अभ्यास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।